हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी के टेक क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल के स्पेशल कुछ सीरीज। और दोस्तों, इसमें जो इस सीरीज में टोटल क्वेश्चन कितने कवर करने जा रहे हैं हम, ये क्वेश्चन होंगे आपके 3000 MCQ, 3000+ MCQ। और दोस्तों, इस सीरीज का ये पार्ट 6 है। इसके पहले पांच पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, जरूर देखिए। और दोस्तों, यदि आप यहाँ तक हैं, अभी वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, एक और आपसे बात करनी है। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं बट पूरा वीडियो नहीं आ रहे हैं। जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है वो बहुत कम है दोस्तों, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और उसके बाद आप डिसाइड करिए आपको ये वीडियो पसंद आता है या नहीं आता है। ठीक है, पसंद आता तो लाइक करना, शेयर करना, और यदि पसंद नहीं आता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं क्या क्या कमियां हैं, ताकि आने वाले वीडियो में हम उनका उन पर काम कर सकें और इम्प्रूवमेंट ला सकें, आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला सकें। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों, ये क्वेश्चन सिर्फ एसएससी जेई के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, या आपके EPPCL, EPRVNL, DMRC, LMRC के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेट क्रिस्टॉप्स करंट लॉ। तो हमें क्रिस्टॉप का जो करंट लॉ है वो बताना है। ठीक है, तो KVL है, सॉरी KCL रूल है, वो हमें बताना है। तो क्या होता है दोस्तों, ये होता है, ऑप्शन हमें दिए गए हैं यहाँ पे, तो मैं आपको ऑप्शन में बता के सीधे आंसर बताता हूँ क्या है। सम ऑफ ऑल पॉजिटिव सॉरी सम ऑफ ऑल पॉजिटिव करंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नेगेटिव करंट। ठीक है, या फिर किसी एक पॉइंट पर मिलने वाली, एक जंक्शन पर मिलने वाली सभी करंट का जो अल्जेब्रिक सम होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इसमें क्या हैं, गलत हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो इसमें हमें KVL बताना है, तो KVL के लिए क्या बोल रहा है, अल्जेब्रिक सम ऑफ EMFs माइनस अल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू जीरो। तो ये दोस्तों यही सही है आपका। और भाई ये क्या है, इसमें बोल रहा है अल्जेब्रिक सम ऑफ EMF प्लस अल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू जीरो, तो ये क्या है, गलत है। ठीक है, और अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट ये भी गलत है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम्स लॉ स्टेट दैट करंट थ्रू अ कंडक्टर अंडर डैश कंडीशन इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम या फिर कांस्टेंट टेम्परेचर। तो सही आंसर है इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। इन अ नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ पैरेलल सर्किट द रिलेशन इन अ पैरेलल सर्किट द रिलेशन बिटवीन डिफरेंस डिफरेंट करेंट इज। तो पैरेलल सर्किट में जो रिलेशन होता है डिफरेंट करंट्स में वो क्या होता है, हमें बताना है उससे। इसमें जीरो इक्वल टू I1 + I2 + I3 + I4 नहीं होता है। पैरेलल में करंट क्या होती है, अलग अलग होती हैं। पैरेलल में करंट क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। ठीक है, और टोटल करंट क्या होगी, IT इक्वल टू बोल रहा है I1 × I2 × I3, ये भी गलत है। और ये तो इसमें है नहीं, टोटल हो रहा है, इक्वल टू इन्फिनिटी दे रहा है। तो ऑप्शन डी क्या है, IT मतलब टोटल करंट इक्वल टू होता है I1 + I2 + I3, तो ये सही है आपका। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली। तो इसमें बताना वोल्टेज की यूनिट क्या होती है दोस्तों, वोल्ट होती है, करंट के एम्पियर और रेजिस्टेंस की ओम। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग वोल्टेज ड्रॉप्स आर मेजर्ड अक्रॉस ईच ऑफ 3 रजिस्टर इन सीरीज। तो दोस्तों, सीरीज में 3 रजिस्टर कनेक्ट हैं, इन तीनों के अक्रॉस में वोल्टेज हमने मेजर किया तो कितना आया, 5.2 वोल्ट, 8.5 वोल्ट एंड 12.3 वोल्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सोर्स वोल्टेज टू विच दीज रजिस्टर आर कनेक्टेड। दोस्तों, सोर्स वोल्टेज बताना है हमें, तो सोर्स वोल्टेज रेजिस्टेंस क्या होता है, सॉरी वोल्टेज क्या होता है सीरीज में, टोटल वोल्टेज इक्वल टू होता है V1 + V2 + V3। ठीक है, तो इसमें आप जोड़ दीजिए 5.2 + 8.5 + 12.3, तो आएगा कितना, 26 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 26 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ एनर्जी इज, तो इसमें एनर्जी की यूनिट क्या है, वॉट है, वोल्ट है, करंट है, नन है। दोस्तों, एनर्जी की यूनिट इसमें कोई नहीं है, जूल होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रूल
फॉलोड फॉर किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लिए कौन सा रूल फॉलो करते हैं, मैश रूल, करंट रूल, लूप रूल या फिर व्हीटस्टोन रूल। तो इसके लिए हम यूज करते हैं मैश रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पैरेलल सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डैश एज द नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल डैश। तो इसमें बताना हमें दोस्तों इंक्रीज, यदि जो पैरेलल सर्किट में क्या रेजिस्टेंस हम इंक्रीज करेंगे, तो रेजिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, इसका जो टोटल रेजिस्टेंस यदि बढ़ेगा, यदि हम इसमें पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, जब पैरेलल में हम रेजिस्टेंस जितने ज़्यादा लगाते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी कम होती जाती है। पैरेलल में जितने ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, डिक्रीज, और मतलब ऐसे बनेगा आपका, इन अ पैरेलल सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट डिक्रीज एज द नंबर ऑफ रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल इंक्रीजेस। ठीक है, तो सही आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर। तो दोस्तों इसमें बताना है, एक बैटरी है जो कि 12 वोल्ट की है और किसके कनेक्टेड है, 20 ओम के रेजिस्टर के साथ में कनेक्टेड है, तो इसमें करंट कितनी फ्लो होगी ये बताना है। एकदम सिंपल है दोस्तों, आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी अपॉन आर, मतलब 12/20, तो आएगा 0.6 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सीरीज सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट डैश एज द नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। दोस्तों सीरीज में यदि हम रजिस्टर जैसे बढ़ाएंगे तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस कम करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो इसमें क्या है, ऑप्शन क्या हो सही होगा, यदि हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक, तो टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस इफ दी रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज इंक्रीजेस, तो ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा। ठीक है, और यदि हम रेजिस्टेंस कम करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस भी कम होगा, तो ये ऑप्शन सी भी सही है। तो दो ऑप्शन दोस्तों इसमें सही हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अमीटर इज यूज टू मेजर द फ्लो ऑफ डैश इन अ सर्किट। तो एक सर्किट में अमीटर किस यूनिट के लिए मेजर करने का काम आता है, एनर्जी को, पावर को, करंट को या फिर वोल्टेज। तो एमीटर क्या मेजर करता है, करंट। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज व्हेन द करंट इज केप्ट कांस्टेंट। जब करंट को हम क्या कांस्टेंट रखते हैं तो जो वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस के बीच जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या फिर कांस्टेंट होता है। दोस्तों ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यदि हम करंट को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, तो यदि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है, साइन कन्वेंशन यूज्ड फॉर पोटेंशियल इज, साइन कन्वेंशन यूज्ड फॉर पोटेंशियल इज, राइज इन पोटेंशियल इन पॉजिटिव, राइज इन पोटेंशियल इज 0, राइज इन पोटेंशियल इज नेगेटिव, राइज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू फॉल इन पोटेंशियल। तो इसके लिए सही आंसर क्या है आपका, राइज इन पोटेंशियल इज पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फोर ब्रांच सीरीज सर्किट 100 mA ऑफ करेंट फ्लो इन ईच ब्रांच, इफ वन ऑफ द ब्रांच इज ओपन, व्हाट इज द सर्किट इज ईच ऑफ द अदर ब्रांच। तो दोस्तों इसमें चार ब्रांच का जो सीरीज सर्किट है, ठीक है, इस तरीके से इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, 100 mA की, इसमें से कोई एक ब्रांच ओपन कर दीजिए तो क्या सर्किट ओपन हो जाए, तो करंट फ्लो होगी, नहीं होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट, 10 सेल ईच ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो दोस्तों 10 सेल हैं वो सीरीज में कनेक्ट है, कितने के, 1.5 वोल्ट के हैं। तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, सीरीज में क्या होता है, वी इक्वल टू होता है वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। ठीक है, तो
क्या जाएगा, ये आ जाएगा 1.5 × 10 कर दो तो कितना आ जाएगा, 15 वोल्ट। टोटल वोल्टेज कितना आ जाएगा, 15 वोल्ट। व्हाट इज द करेंट विथ विल दे सेंड थ्रू दी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। तो इसके लिए हम बताना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 ओम के लिए कितना करंट फ्लो होगी। तो आई इक्वल टू 15/4, उसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा 3.75 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैटरी ऑफ EMF 1.8 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अ पेयर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम एंड 6 ओम इन पैरेलल। तो दोस्तों एक बैटरी है जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है, दो रेजिस्टर 4 एंड 6 ओम के उसको कनेक्टेड है। तो इसमें बताना है जो करंट है वो कितनी होगी बैटरी सप्लाई करी इन दोनों के लिए। तो 4 × 6 पैरेलल में तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो आप कितना आ जाएगा, 2.4 ओम। और यहाँ पे जो आपका बैटरी है वो कितना 1.8 की है, तो 1.8/2.4 इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 0.75 एम्पियर, 0.75 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन व्हेन एन रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू एक्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, टोटल रेजिस्टेंस इज। दोस्तों सीरीज में अभी मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, ऐड होती है। आर वन इक्वल टू क्या होता है, सॉरी आर आर इक्वलेंट इक्वल टू होता है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है। तो यहाँ पे एन रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एन एक्स, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्किट कंटेन्स टू अनइक्वल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। एक सर्किट है जो कि उसमें दो अनइक्वल रेजिस्टेंस हैं, वो किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, करंट इज सेम बोथ, नहीं होगी क्योंकि पैरेलल में है। और क्या है दोस्तों, ये अलग इनका जो रेजिस्टेंस है वो भी अनइक्वल है, ठीक। लार्ज करंट फ्लो इन लार्जर रेजिस्टर, ये भी गलत है। करंट कहाँ से फ्लो होती है, जहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इज सेम। दोस्तों पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, ठीक। ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, फोर आइडेंटिकल रजिस्टर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन पैरेलल। चार रजिस्टर हैं वो पहले किस में कनेक्टेड थे, पैरेलल में, ठीक। तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा यदि एक की वैल्यू 1 ओम है, ठीक है। या फिर आप इसको आर मान लीजिए, एक की वैल्यू आर है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/4। फिर उसके बाद इसको हम सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो हमें दोनों का रेशियो बताना है क्या होगा, ठीक है। तो सीरीज में क्या आएगा, 4R, ठीक। तो पहले वैल्यू क्या थी, R/4, उसके बाद आई 4R, ठीक। तो R से R कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/16 टाइम्स। तो वैल्यू क्या होगी, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, फर्स्ट कॉम्बिनेशन की वैल्यू सेकंड के कितनी हो जाएगी, 1/16 टाइम्स। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 100 वॉट, द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ 100 वॉट 220 वोल्ट लैम्प टू दी दैट ऑफ 100 वॉट 110 वोल्ट लैम्प विल बी नियरली। दोस्तों इसमें दो आपको लैम्प दिए गए हैं, एक 100 वॉट एंड 220 वोल्ट के हैं और एक है 100 वॉट 110 वोल्ट का है। तो इसमें हमें बताना है इनका रेजिस्टेंस का रेशियो। तो पी इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, V² / R, ठीक। V² / R होता है। यहाँ पर पावर क्या है, दोनों की सेम है तो क्या आ जाएगा, V1 R1, V2 R2 स्क्वायर, ठीक। इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर देखो अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप करेंगे, एकदम सिंपल है। क्या आएगा, R1 अपॉन R2 इक्वल टू आएगा V2² / P1² ठीक। 220 का स्क्वायर करेंगे और 110 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये 4 आ जाएगा आपका। सही आंसर क्या जाएगा, 4, ठीक है। रेशियो क्या आएगा, 4 इसका आएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन एंड आंसर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर जरूर करिए और चैनल आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पीकेआर टेक क्लासेस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।